तुलिंस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत देर रात एक नाइजेरियन युवक की अज्ञात कारणवश मौत हो जाने के बाद आक्रोशित नाइजेरियन के समूह ने प्रगति नगर क्षेत्र के स्थानीय लोगों में साथ जमकर मारपीट करते हुए पूरी रात तांडव किया। बीती रात नालासोपारा पूर्व में प्रगति नगर इलाके में अवैध तरीके से रह रहे नाइजीरियन ने जमकर उत्पात मचाया। रास्ते में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ किया, करीब दर्जन भर गाड़ियों की शीशे चकनाचूर कर दिए। विरोध करने पर स्थानीय लोगों को जमकर मारा पीटा। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात नाइजीरियन के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। तुलिंज पुलिस निरीक्षक ने बताया कि नालासोपारा पूर्व प्रगति नगर इलाके में एक नाइजीरियन नागरिक जोसेफ की मौत हो गई थी। स्थानीय लोगों ने जोसेफ को जांच के लिए वसई विरार शहर महानगर अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टर ने जोसेफ को देर रात 2 बजे के करीब मृत घोषित कर दिया। जिसकी जानकारी मिलते ही नाइजीरियन का एक ग्रुप आक्रोशित हो उठा, पहले मनपा अस्पताल में तोड़फोड़ किया, उसके बाद नालासोपारा पूर्व के प्रगति नगर इलाके में आम राहगीरों के साथ मारपीट किया और सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर लाखों रुपयों का नुकसान कर फरार हो गए। नाइजीरियन के इस हमले से स्थानीय लोगों में दहशत व्याप्त है। घटना की जानकारी मिलते ही तुलिंज पुलिस ने इलाके में कड़ा पुलिस पहरा लगाया है और नाइजीरियन के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।